डॉक्टर्स में भी अब आदमी क्या करे, पारस एक रिपोर्टेड हॉस्पिटल है, जी एलिट क्लास का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर लोग इस तरह की वारदात का उम्मीद नहीं करते हैं। तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी यदि इस तरह की लापरवाही का बात आ रही है तो बहुत ही गंभीर महिला की मौत हो चुकी है, उसे हिसाब से कौन सी धाराएं लगाई गई है इस याचिका? जो फर्द बयान जब आप पढ़ेंगे, जो महिला कि हमारी जब मम्मी से बात हुई, वो जब वो गई तो हाथ पांव बंधा हुआ था और उन्होंने कहा कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और गलत काम हुआ, टर्म उन्होंने गलत काम, तो गलत का मतलब हाथ पांव बांधना, छेड़खानी में हाथ पांव बांधने की जरूरत नहीं थी, हाथ पांव बांधा था इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत का मतलब अपने स्तर पर। देखिए जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन में भी FIR नहीं हुआ, और FIR जो है कल जाके हुआ है जब मर जाती है महिला तब। और इसमें और भी बहुत सारा चीज़ लेकुना है अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी की तरफ से कि उस महिला जो महिला मर गई उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, इस बिंदु पर भी होना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये एक अहम है कि FIR जब हुआ तो FIR में उन्होंने कहा कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ, लड़की का जो बयान जो है तो गलत का मतलब 376 लगना चाहिए, लेकिन 376 ने लगा कि इसमें जो धाराएं जो जोड़ी गई हैं वो 354A जोड़ा गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लॉन्ग बिहार, मैं हूँ खुशबू रॉय। जैसा कि आप सभी जानते हैं एक बहुत बड़ी खबर उभर के सामने आ रही है, वो ये है कि पारस अस्पताल में एक महिला के साथ दुष्कर्म हुआ और फिर उसकी मौत हो गई। इस मामले में खबर ये मिली है, आज एक जनहित याचिका दाखिल की गई है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता किशोर मालाकार के द्वारा किया गया है, उसी के बारे में हम जानकारी लेंगे हाईकोर्ट के जाने माने वकील शिवनंदन भारती से, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से ये याचिका दाखिल किया गया है। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि पूरा मामला क्या था। नमस्कार सर जी। नमस्कार। नमस्कार सर, हम जानना चाहेंगे ये जो पारस हॉस्पिटल में जो बीते दिन घटना घटी है, औरत के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसके बारे में, उसमें जनहित याचिका दाखिल की गई है, क्या पूरा मामला क्या था सर इसका? देखिए दरअसल मामला ये है कि कोरोना महामारी के इस दौर में जब लोग विभिन्न तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसी दौर में एक खबर आ रही है कि बड़े बड़े अस्पताल जितने हैं उसमें हजारों की संख्या में मरीज भर्ती है, खास करके महिला पुरुष सभी तरह के लोग, और कोरोना ऐसी एक बीमारी है कि जिसमें अपने भी मरीज के पास नहीं जाते, बिल्कुल डॉक्टर के भरोसे छोड़ देते हैं। ऐसे परिस्थिति में यदि वहाँ पर कोई दुष्कर्म होता है तो लोग तो कोरोना महामारी के दौर में मानसिक पीड़ा से गुजर ही रहा, और ये बहुत ज़्यादा पीड़ादायक है कि अपनों का इज्जत लूटते भी लोग देखे तो ये समाज में सहन नहीं होगा। ऐसे ही स्थिति में पारस की जो घटनाएं हैं, और पारस के अलावा अन्य बहुत जगह हॉस्पिटल है, जैसे भागलपुर की घटना है, दनियामा की घटना है जो मीडिया के माध्यम से पता चला है, तो पेटिशनर जो है इसमें किशोर मालाकार जी, उन्होंने मेरे पास अप्रोच किया कि सर मुझे जनहित याचिका दायर करना है, और जब सारे सब्जेक्ट मैटर को लगा तो नैतिकता के आधार पर मुझे लगा कि मैं भी इसमें इसका सहयोग करूं, और यहां पटना उच्च न्यायालय में आज हम लोगों ने जनहित याचिका दायर किया है, जिसके तहत से हम लोगों ने मेन प्रेयर हम लोगों का ये है कि इस महामारी के दौर में जो महिलाएँ अकेले हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के भरोसे, और देखिए डॉक्टर्स में भी अब आदमी क्या करे, पारस एक रिपोर्टेड हॉस्पिटल है, एलिट क्लास का हॉस्पिटल है, और वहाँ पर लोग इस तरह की वारदात का उम्मीद नहीं करते हैं, तो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी यदि इस तरह की लापरवाही का बात आ रही है तो बहुत ही गंभीर मामला है। और हम लोगों ने ये न्यायालय से गुहार किया है इस पिटिशन के माध्यम से कि इसमें जो है सो सभी लोग महिलाओं की सुरक्षा, समुचित सुरक्षा का जो है इंश्योरेंस हॉस्पिटल के तरफ से मिले कि इस तरह की कोई भी वारदात नहीं होगी, और यदि इस तरह की कोई भी घटनाएं होती है तो ये पूरी तरह से जिम्मेदारी उस हॉस्पिटल प्रशासन की होगी, बिहार सरकार की होगी कि कोई भी महिला के साथ हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कोई भी दुष्कर्म ना हो, और हो तो इसके लिए जो है सो कड़ी से कड़ी दंड हो, तुरंत में उसके लिए जो है सो रिलीफ की का सारा प्रोविजन हो। तो यही कमोबेश हम लोगों ने मांगा है कि इस जनहित याचिका में व्यापक तौर पर। जैसा कि सर उस महिला की मौत हो चुकी है, उसे हिसाब से कौन सी धाराएं लगाई गई है इस याचिका? जो फर्द बयान जब आप पढ़ेंगे, जो महिला जो मरी हैं, जो पीड़ित थी, उनकी बच्ची ने जो FIR दर्ज करवाया है, तो उनका फर्द बयान के आधार पर उन्होंने कहा है कि हमारी जब मम्मी से बात हुई, वो जब वो गई तो हाथ पांव बंधा हुआ था और उन्होंने कहा कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ और गलत काम हुआ, टर्म उन्होंने गलत काम, तो गलत का मतलब हाथ पांव बांधना, छेड़खानी में हाथ पांव बांधने की जरूरत नहीं थी, हाथ पांव बांधा था इसका मतलब उसके साथ कुछ गलत का मतलब आप समझ रहे हैं, तो इस तरीके का गलत कामों के ही वजह से, और वो बेबस थी,
मौत और जिंदगी से जूझ रही थी, तो ऐसे परिस्थिति में इंडियन एविडेंस एक्ट का आर्टिकल सेक्शन 32 है। सेक्शन 32 कहता है, एक प्रिजम्पशन है कि मरने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। आपको भी लगेगा परिस्थिति देखकर कि जो मौत के शैया पर हो, जिंदगी और मौत से जूझ रही हो कोरोना में, वो भला किसी के बारे में क्यों गलत स्टेटमेंट देगी। डॉक्टर्स तो देवता के रूप होते जो उनको जीवन दे रहा है। ऐसे में यदि वो देवता जिसको समझ रही, वही यदि शैतान और हैवान बन जाए, उसके साथ दुष्कर्म हो, तो इसमें सरकार को भी तुरंत में संज्ञान लेना चाहिए था अपने स्तर पर। देखिए, जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ उस दिन में भी FIR नहीं हुआ, और FIR जो है कल जाके हुआ है जब मर जाती है महिला तब। और इसमें और भी बहुत सारा चीज़ लेकुना है अभी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी के तरफ से, कि उस महिला जो महिला मर गई उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, इस बिंदु पर भी होना चाहिए। दूसरी बात इसमें ये एक अहम है कि FIR जब हुआ तो FIR में उन्होंने कहा कि मेरी माँ के साथ गलत हुआ, लड़की का जो बयान जो है तो गलत का मतलब 376 लगना चाहिए, लेकिन 376 ने लगा कि इसमें जो धाराएं जो जोड़ी गई हैं वो 354A जोड़ा गया है, जो 376 जो रेप का चीज़ है वो धारा नहीं लगाया गया है। तो और दूसरी बात क्या है, फर्द बयान में बहुत जगह ऐड किया गया है वर्ड, तो ये सब भी एक संदेह पैदा करता है कि आखिर इस देश में, इस राज्य में हो क्या रहा है। तो एक सभ्य नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता था कि संवेदनशील मामला है तो मैंने न्यायालय से गुहार किया है, और न्यायालय जरूर इसमें कोई ना कोई न्याय संगत बात में हम लोगों को निर्णय देंगे। सर, जिस प्रकार आपने बताया कि महिला ने मरते समय ये बयान दे के, मतलब उनकी मौत हुई, बयान दिया कि हमारे साथ गलत हुआ, तो उसके हिसाब से जो उनके साथ गलत हुआ और जिन लोगों ने उनके साथ गलत किया उनको क्या सजा मिल, मतलब किस तरह की सजा? देखिए, यदि वो अभी तो इस केस में अनुसंधान होगा, अनुसंधान में चूँकि देखिए यहाँ पर अभी बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि यहाँ पर धन और बल का बहुत इस्तेमाल होता है, तो हम लोग ये भी मांग करेंगे इस पिटीशन के माध्यम से कर रहे हैं कि यह अनुसंधान जो है सो बिहार पुलिस नहीं CBI करे, क्योंकि CBI पर आज के दौर में लोगों का विश्वास ज़्यादा है जी। तो उसमें जो देखिए, निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए, हम लोग का यही चाहिए कि निर्दोष को सज़ा नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। यदि कोई आदमी निर्दोष है, कई जगह होती है वारदात निर्दोष लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग का निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। इसके लिए अनुसंधानकर्ता जो होते हैं उनका बहुत बड़ा अहम रोल होता है, अनुसंधानकर्ता कहीं बायस ना हो, कोई पक्षपाती ना हो, इसीलिए हम लोगों ने हाई कोर्ट से में जो किया है कि एक मॉनिटरिंग हो, उनका बिहार सरकार के ऊपर भी निगरानी रखी जाए कि इस तरह से जो है सो वो वारदात को रिपीटेशन ना हो। तो इसी तब तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में जो है सो PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जिसको कहते हैं जनहित याचिका हम लोगों ने दायर किया है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, आपने जैसा कि बताया कि जिस हिसाब से अगर उनके साथ दुष्कर्म हुआ तो उन पर 376 की धारा लगनी चाहिए जो कि FIR में नहीं है, तो इससे क्या प्रतीत होता है कि FIR जो किया है जिन्होंने, उनकी बेटी ने या फिर जो भी लोग किए हैं, तो उन पर किसी तरह का प्रेशर बनाया गया है क्या इसके लिए या फिर क्यों नहीं? देखिए, ये तो फैक्ट का बात है, वो तो जो पीड़िता है कुछ चीज़ कैमरा पर और कैमरा के बाहर का दुनिया सब जानता है। तो आखिर इतना एक चीज़ तो संदेह पैदा करता है कि घटना इतनी बड़ी वारदात हुई, पूरे सभी न्यूज़ चैनल पर चला, कोई भी ऐसा नेशनल इंटरनेशनल खबर की तरह इसको दिखाया गया, तो आखिर FIR इतना लेट से क्यों हुआ? इसमें तो पुलिस को स्वतः संज्ञान लेके इस पर कर देनी चाहिए थी FIR, और FIR भी हुआ तो जो उचित धारा में ये जो है सो FIR क्यों नहीं रजिस्टर किया गया? सब जानते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे आप बात करेंगे, हमारे अलावा भी अन्य लोगों से बात करेंगे, तो इसमें जो धारा जो उचित धारा था 376 और जब मर गई तो 302 भी लगना चाहिए था, जो कि नहीं लगा। तो अब ये हो सकता है कि फाइनल चार्जशीट में क्या पता चलेगा कि केसों को कह देंगे फॉल्स था या जोड़ेंगे, लेकिन अभी हम लोगों का यही है कि बहुत जो समुचित धाराओं में FIR रजिस्टर हुआ प्रतीत नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आपने सुना, वकील साहब का कहना है कि याचिका तो दाखिल हुआ है लेकिन जो FIR में जो धाराएं लगाई गई हैं उनके मुताबिक वो धाराएं सफिशियंट नहीं है इस केस के मुताबिक, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो पीड़िता का दुष्कर्म भी हुआ और उसके बाद उनकी मौत भी हो गई, मौत होने के नाते उस पर 302 की भी धारा लगनी चाहिए, और जहाँ तक कि सभी को जानकारी है दुष्कर्म के लिए 376 की धारा लगाई जाती है, जो कि दोनों में से कोई भी धारा उस FIR रिपोर्ट में नहीं है।
कहीं ना कहीं बातों बातों में ये इनकी बातों से झलक रहा है कि FIR रिपोर्ट हो सकता है कहीं ना कहीं किसी न किसी के दबाव में बनाया गया है, और बनाया गया तो किसके दबाव में, ये जानकारी, ये खुलासा भी हम नहीं कर पाएंगे। आगे देखते हैं क्या होता है, पीड़िता को न्याय मिलता है या नहीं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।